आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव की देखरेख करने को लेकर तमाम अधिकारी बारी बारी से सेंटर पर जाकर जांच करने का काम कर रहे हैं। अभी आपको जो परिदृश्य मैं दिखा रहा हूं वह सरकारी गाड़ियों का काफिला चुनाव को लेकर लखीसराय से चानन प्रखंड की दिशा में चली आ रही है, जो काफी सजग और काफी अभी हमारे सहयोगी ने दिखाई दे रहे हैं। मैं काम किया सारी चीजों को दोबारा दिखाने का काम करूंगा और दूसरी तरफ से पुरुष अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान देने का काम कर रहे हैं। भलोई पंचायत के बूथ संख्या 114 का मैं नजारा आपको दिखा रहा हूं। यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था परिपूर्ण है, ये लोग अपनी ड्यूटी में मुस्तैद लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने तरीके से अपने स्वच्छ मन से लोगों को अपना काम करने दें, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना होने दें। बाहरी परिवेश में भी अधिकारी पदाधिकारी अपनी ड्यूटी को काफी मुस्तैदी से निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं धूप से बचकर छांव में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपना माइंड सेट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोरोना का वैक्सीन भी दिया जा रहा है। अब तक में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया, आइए इनकी जानकारी लेते हैं। मैडम ये बताइए, यहाँ पर जो बूथ पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, तक में कितने लोगों को पड़ चुका है? 5 आदमी जी। आपका नाम? बनीता कुमारी। इलाका कौन सा? ये नया टोला भलोई। यहाँ नजदीक में एक व्यक्ति गांव के हैं जो लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, यानी कि धूप में जो खड़े होकर के अपना वोट डालने का काम कर रहे हैं उन्हें पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है। एक बात बताइए, जो पानी पिलाने का काम कर रहे हैं सुबह कितने बजे से आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 9 बजे से। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? गोपाल माथो। अच्छा, इसके लिए जो चीनी वगैरह लगता है वो कहाँ से लाते हैं? ग्रामीण लोग दिया है। तो ये चंदा दिया है क्या आपको? चंदा दिया है पिलाने के लिए। हाँ सर, ये बताएंगे 5 सालों का ये महापर्व है, कैसा फील हो रहा? फील तो यही है, सत्ता को चेंज होना चाहिए। कितने बजे आप आए हैं सर? हम करीब आए हैं लगभग 9:30 बजे। कैसा है यहाँ का माहौल? माहौल शांतिपूर्ण है जी। आप अपना नाम बता देंगे? नंद कुमार अधिवक्ता। ये नजारा बसुआ चक के बूथ संख्या 117 की है, जहाँ पर तमाम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। दूसरी ओर यहाँ की महिलाएं भी कतारबद्ध होकर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर का नजारा देखने को काफी मनोरंजक है। यहां के जो पुलिस प्रशासन है वो काफी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभाने का काम कर रहे हैं, यानी यहाँ कुल मिला जुला करके माहौल परिपूर्ण और शांतिपूर्ण है। इसी बूथ संख्या पर कोविड वैक्सीनेशन का भी काम किया जा रहा है। अब तक यहां पर तकरीबन 7 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। आइए इस संबंध में बात करते हैं। मैडम आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, अब तक में कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है? 7 लोग। क्या इसके अलावा और कुछ लोग हैं जो आपको आश्वासन दे के गए होंगे? हाँ। कितने लोग होंगे? 4 लोग। कितने बजे से ड्यूटी में लगे हुए हैं? 7 बजे। अच्छा, एक बात बताइए, ड्यूटी का पीरियड क्या है, कितने बजे कितने बजे तक आप लोग रहेंगे? 6 से 5। जिला अधिकारी का कहना था कि सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 3 बजे तक तमाम लोग अपनी ड्यूटी में रहेंगे। ऐसे में अगर आपको ड्यूटी का पता नहीं है मैडम, समय का पता नहीं है, तो बताइए किस प्रकार से काम करेंगे आप?